अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट होता है पहले रोजे से। अम्मी मेरा पर चल रही है, ये वाले टोप में अंडे उबल रहे। आज बनाएंगे अंडे की भजिया। और ये जो पानी है इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची, इसके बनाएंगे पूड़े। और उसके साथ ही बनेगी कांदे बटाटे की भजिया। ये मैंने ऑनियन ले ली हूँ, ये गोश्त में भी ऐड हो जाएगा, इसकी भजिया भी बन जाएगी। और साथ ही साथ आज खाने में बनाएंगे उड़द गोश्त। ये मैंने मटन ले ली हूँ, इसमें से देख लूँगी कितना लेना है नहीं लेना। ये 2 किलो है। और इसमें डालेंगे ये दाल, तो ये बनेगा आज खाने में। और बाकी ये पानी बॉईल हो रहा है, इसमें शुगर ऐड करूँगी। और ये एग बॉईल हो रहा है, होने ही वाला है, थोड़ी बहुत देर में हो जाएगा। तो मैंने कट भी कर ली, वॉश भी कर ली हूँ। और इसको भी अब इसकी कर लेंगे कटिंग। ऑनियन की कटिंग हो चुकी है, अब करेंगे पोटैटो की कटिंग। ये मैं ऐसे काट रही हूँ क्योंकि मैं बनाऊंगी मिक्स भजिया, ऑनियन और पोटैटो की मिक्स भजिया। सही है ना ऐसे? ये हो चुका है कटिंग करके। अब इसको मैं साइड में रख दूंगी जब तक पूड़े की तैयारी करती हूँ। इसमें मैंने शक्कर ऐड कर दी हूँ, अभी इसको शक्कर को मेल्ट होने देंगे। जब तक ये मेल्ट होएगी थोड़ा ठंडा होएगा, गोश्त बनाने की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने मटन में डालने के लिए 2 कांदे काट के रखे, छोटे कांदे थे।
ये अभी उड़द में डल जाएगा, मैं इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और ये जो बचा हुआ है इसको रख देंगे डीप फ्रीज में। अभी गोश्त चढ़ा लेंगे, सब एक साथ डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे सब एक साथ, फिर इसको रख देंगे गैस पे। चीर लेना बीच में से, नहीं वो नहीं करियो, करने का और ये अंडे बॉईल होके इनकी कटिंग हो चुकी है, इसकी भी बनाएंगे भजिया। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन नमक। एक कटने से रहेगी, कम डाली ना? हाँ नमक कम ही डाली मैंने। अब इसमें सारे मसाले ऐड करके हल्दी मिर्ची धनिया पकने रख देंगे, फिर ये जब गल जाएगा इसमें डाल देंगे उड़द। कुटी हुई मिर्ची भी डाल देंगे, तेल आए। अब इसमें ऑयल ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करके एक ग्लास पानी डाल के पकने रख देंगे। थोड़ा गलाएंगे, ज़्यादा नहीं, फिर उड़द के साथ भी गलना है। और ये शुगर का सिरप ठंडा हो रहा है उड़े के लिए, इसको थोड़ा भून लेंगे, फिर इसमें पानी ऐड करके ढक देंगे और 4 सीटी आने तक पका लेंगे। ये मिक्स कर दिया अम्मी ने, काली उड़द और हरी वाली। अब इसको वॉश करके रख दूंगी जब तक ये गोश्त गलेगा। प्लान चेंज हो गया है, गोश्त और उड़द भून गया ना थोड़ा देर, तो ये दोनों चीजें साथ में गला लेंगे, टाइम भी बच जाएगा गैस भी बच जाएगा, है ना। अब ये पूड़े का बैटर रेडी करके रख लेंगे। ये 1 कप मैदा है और 1 कप आटा है और ये शुगर और इलायची का सिरप है, इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर दी थी। अम्मी कितना डालूं? देखो और इसमें सौंफ ऐड होगी और बेकिंग सोडा ऐड होगा, वो तो पकाने के टाइम पे डालेंगे। अभी मैं ये 1-2 घंटे के लिए मिक्स करके रख दूंगी। देखो हमने बस देखो को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें डलता है सूखा कोपरा, वो लास्ट में ही डालेंगे और सोडा, वो भी लास्ट में ही डलेगा।
अभी सारी तैयारी हो गई है शाम की, अब बस 5:30 बजे भजिया बनानी होगी और हमारा वो गोश्त उड़द वो भी पक रहा है और फिर खाना खा रोज़ा खोलने के बाद सिर्फ रोटी बनानी पड़ेगी। मैं बोल रही हूँ खाना खाने के बाद इसको रख देंगे अब, है ना, इसको ढक के रख देंगे। इसमें पानी बढ़ा दे इसमें पानी आ चुका है, अब इसको मटन और दाल दोनों साथ में गल जाएंगी। ये अंडे की भजिया का बेसन बैटर रेडी हो चुका है, इसमें हल्दी मिर्ची नमक और ये कोथमीर थोड़ा सा डाले, ज़्यादा नहीं डाले इसमें, ज़्यादा नहीं डाले। ये रहे अंडे, देख लिया इस तरह, और इसमें हल्दी मिर्ची नमक कोथमीर और हरी मिर्ची है तो ये मैंने डाल दी और मुझे लगा वीडियो चालू है। अब इसमें बेसन ऐड कर देंगे, इसमें बेसन ऐड हो चुका है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी नहीं डालेंगे, हाँ ये पानी खुद हो जाएगा इसमें, बस इसको ऐसे रख दूंगी 5-10 मिनट जब तक अंडे की भजिया बनती है तो ये मिक्स हो जाएगा। ये आ चुके हैं फ्रूट, अच्छा है फिर रखना उधर। अब ये सब ऐश वॉश करेगी और इनकी कटिंग करेगी। ये बन रही है अंडे की भजिया, आधी बन रही है आधी बन रही है, अंडे की भजिया भी रेडी हो गई है, अब बन रही है कांदा बटाटा मिक्स भजिया। छुट्टी बाहर निकाल दो, फ्रीजर में से जो बनाए थे ना कल, दो चीज तैयार है। फ्रूट कट चुके हैं, चटनी भी रख चुके हैं, टाइम होने वाला है ये सब जाएगा अंदर। ऐसी थोड़ी सी भजिया बची है, उड़द रेडी हो चुका है,
इसमें ऐड कर देंगे कोथमीर। और इसके साथ में है चावल, रोटी अभी बनी हुई है, दाल है इसलिए चावल बनाए, और ये आटा गूंदा हुआ रखा है, ये टाइम पे रोटी बना लेंगे और सैरी के लिए उठा के रख देंगे। बच्चे खा रहे हैं आइसक्रीम। अलजान कैसी है? अच्छी है। हम लोग की नमाज हो गई है, ऐश पढ़ रही है, अभी आयत पढ़ेगी। आयत गई थी अपने लिए स्काफ लाने। आयत दिखा कैसा लाई। ये लाइए नमाज के लिए लॉन्ग स्काफ। और ये है ब्लैक, ये घर में ओढ़ के रखती है ब्लैक स्काफ। चलिए दोस्तों वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़। बच्चों अल्लाह हाफिज़ करो। मिनो तैनोर अल्लाह हाफिज़। इब्बू अल्लाह हाफिज़ करो।